الحمد لله الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى अहमदी क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शान है प्यारे नबी हक ने अता की सरवरी मेराज से दी बरतरी بلغ العلا بكماله تکلیف بھی اس نے سہی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالہ ایک دھوم سی دنیا میں مچی आवाज़ें आने लगी पढ़ लो दरूद उम्मती सल्लु अलैहि वालिहि एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला से बुजुर्गान मोहतरम अजीज दीनी भाइयों नौजवानों इंतहाई मुबारक महीना आने वाली रात इंतहाई मुबारक और आज का दिन इंतहाई मुबारक है। दुआ फरमाएं इस मुबारक महीने की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको वो काम की बात अल्लाह हमें कहने की तौफीक नसीब फरमाए जो हम सब के लिए ईमान पर मौत का ज़रिया बन जाए। बुज़ुर्गों भाइयों हर मुसलमान को और जो मस्जिद में आता जाता रहता है उसको मालूम है बरसों से कि भाई शाबान में क्या करना है और रमज़ान में क्या करना है, लेकिन आज बहुत ज़रूरी बातें इसलिए कि तीन चार दिनों के बाद हम एक ऐसी अजीम और एक ऐसी बरकत वाली शबे बरात की तरफ जा रहे हैं कि पूरे पूरे साल तक औलिया अल्लाह उस रात का इंतज़ार करते थे। बुज़ुर्गों भाइयों एक बात पहले सुनाऊं आपका ईमान ताज़ा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने एक मर्तबा फरमाया अल्लाहु अकबर, आपने फरमाया कि पिछले ज़माने में यानी बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए
कि पलक झपकने के बराबर भी शैतान की नाफरमानी नहीं की। फिर आपने आगे फरमाया, पिछले जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि 500 साल तक, कितने साल तक, 500 साल तक उसके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को गुनाह लिखने का मौका नहीं दिया। कोई झूठ, कोई वादा खिलाफी, कोई चीज नहीं। ऐसे लोग, ये किसने कहा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसको कहा? सहाबा को, कि ऐसे लोग इस धरती पर अल्लाह पाक ने पैदा किए। ऐसी एक लंबी हदीस है। तो सहाबा किराम ने जब ये सुना तो वो तो रोने लगे। तो आपने फरमाया कि आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो अच्छी बात कही कि पिछले जमाने में कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे थे। चूंकि मेरे भाइयों, पिछले नबियों की उम्मत की उम्रें जो थी वो बहुत लंबी थी। हमको मालूम है 300 साल के बाद उनके यहाँ बच्चा जवान होता था। हजार हजार, दो दो हजार साल की उम्रें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम कयामत के जितने करीब होते जा रहे हैं, कहाँ जवानी में बच्चा बदलता है कहीं। और फरमा महीने, साल, दो साल में बाल सफेद, और 20 साल का बच्चा अब कुर्सी पर नमाज पढ़ता हो गया है। क्या बीमारी, क्या जिंदगी, क्या मौत है, हम सब देख रहे हैं दुनिया में। वो जमाना था तो उम्रें बहुत तवील, हजार हजार। तो आपने फरमाया कि भाई अब वो तो ऐसे नेक लोग थे। तो सहाबा किराम रोने लगे। तो आपने फरमाया तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा किराम ने फरमाया का हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारी उम्र तो 60-70 साल की है। मा बैन सबईन व सित्तीन, 60-70 बहुत बहुत, कोई अगर 100 साल चला जाए तो वो अलग मसला है, लेकिन औसत उम्र तो 60-70 साल में। तो अगर बालिग होने के बाद अपने से कोई गुनाह नहीं भी हो, कोई हमारी नमाज नहीं भी छूटे, तब भी वो 500 साल वाले की इबादत का सवाब तक तो हम नहीं पहुंच सकते। वो उनकी जिंदगी इतनी थी आपने जैसे बताया, तो हमारी उम्र तो छोटी है। तो जब हमारी उम्र छोटी है तो नमाजें भी कम होगी, इबादत भी कम होगी। तो इसलिए हमको ऐसा है कि अल्लाह अगर हमको भी जरा लंबी उम्र देते तो हम अल्लाह की कितनी इबादत करते, और हम इतना पढ़ते, इतना जिक्र करते, माँ बाप की इतनी खिदमत करते। इनकी ऐसी तमन्ना सहाबा ने सरकार के, इसलिए हमको रोना आता है कि अल्लाह वो कैसे लोग थे कि एक हजार साल तक आपकी इबादत की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि जिंदगी देने वाला अल्लाह है। माँ के पेट में बच्चा जब हमल में करार पाता है तो पांचवें छठे महीने में जब अल्लाह पाक रूह डालते हैं ना, उस वक्त अल्लाह पाक लिख देते हैं कि कितना दाने खाएगा और कितना जिएगा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हम आखिरी जमाने में आए, अल्लाह ने इतनी उम्र दी है। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात सुनाता हूं। ये बात चीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दरमियान चल रही थी। सहाबा रो रहे थे कि उम्र छोटी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी वक्त सारे फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कौन? सारे फरिश्तों के जाओ, कहा कि जिब्राइल क्यों आए अभी? फरमा अल्लाह पाक ने भेजा है। और ये कहा कि जाओ मेरे हबीब से जाके कहो कि ये जो आपके सहाबा को या आपके सहाबा को ये शिकायत है, ये रो रहे हैं कि हमारी उम्र छोटी है तो हम इबादत कम करेंगे, तो 500 साल वाले जो हजार हजार साल तक जो मुसलमान रहे वो तो जन्नत में ऊपर होंगे, तो उनको तकलीफ हो रही है। नबी जी आपको बताओ, आप इनको बताओ कि अल्लाह ने आपके सदके में, भले आपकी उम्मत की उम्र छोटी है, उनकी जिंदगी कम है 60-70 साल की, लेकिन नबी जी बताओ कि हमने आपके सदके में, ध्यान से सुनना है, हमने आपके सदके में आपकी उम्मत को साल के अंदर पूरे 12 महीने में कुछ रातें और कुछ दिन ऐसे दिए हैं कि अगर आपकी उम्मत उसकी कदर करेगी। किसने फरमाया? अरे बोलो भाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। जिब्राइल अल्लाह की बात लेकर आते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने कहा कि नबी से जाके बताओ आपके सहाबा को कोई डरने की जरूरत नहीं है,
कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है, कोई रोने की जरूरत नहीं है। हमने आपके सदके में आपकी उम्मत को साल में कुछ रातें और साल में कुछ दिन ऐसे दिए हैं। सुनना, जिब्राइल फरमाते हैं सरकार अगर वो आपकी उम्मत उन रातों की कदर करेगी, उन दिनों की, उस महीने की कदर करेगी, अल्लाह ने मुझे आसमान से भेजा है। और अल्लाह ने कहा कि जाओ मेरे हबीब से जाके कहो, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, भले 60 साल की उम्र है, भले 70 साल की उम्र है, लेकिन अगर आपने उन दिनों की और उन रातों की कदर की तो अल्लाह तुम्हें हजारों साल की इबादत का सवाब लिख देगा। आपको समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे कुरान शरीफ में हम बार बार नहीं सुनते इन्ना अंजलना हुफी लैलतिल कद्र, के शबे कदर रात तो एक ही है लेकिन उस रात में एक सुभान अल्लाह पढ़ने वाला ऐसा है जिसने 83 साल तक जो है सुभान अल्लाह पढ़ा। अच्छा ये बताने वाला, ये स्कीम देने वाला, स्कीम के जमाने में जी रहे भाई, एक पर एक फ्री, ये लो तो ये और ये करो तो ये होगा और ये, अल्लाह ने कहा है सरकार की उम्मत में पैदा हो गए कुछ रातें हम आपको देंगे, उसमें से ये आने वाली रात जो आ रही ना मंगल के बाद 14 शाबान के बाद, ये उन 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 पूरे सालों की रातों और दिनों में से एक रात ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होगा फरिश्तों की लाखों की जमात हर गली, हर मोहल्ला, हर मस्जिद, हर कोने में पहुंच जाएंगे। और जो भी अल्लाह की याद में, जो भी सुभान अल्लाह में, और जो भी जिस काम में, जिस इबादत में होगा, अल्लाह फरमाते हैं उस रात में अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, समंदर के झाग के बराबर भी तुम्हारी नेक गुनाह होंगे, नेकियों में बदल दूंगा। ये किसको कहा था? अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा को कहा कि हमारी 60-70 साल की उम्र है, फरमाया इन दिनों की, इन रातों की कदर कर लेना। मेरे भाइयों बताऊं मैं आपको क्या बताऊं, 20 मिनट में बहुत काम की बात है। इतनी तो बात समझ पड़ गई कि शाबान क्या है। अरे मैंने हदीस पढ़ी है, सरकार फरमाते हैं अश्शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह। आका ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। अरे सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन शाबान के बारे में खुसूसियत से मेरे आका ने कहा कि तो मेरा है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, ये कुरान शरीफ होते हैं उस पर हम जुजदान लगा देते हैं ताकि उस पर मिट्टी ना लगे, धूल ना लगे। अब कभी कभी बच्चा मदरसे जाता है ना तो जुजदान नीचे गिर जाता है, तो बच्चा उसको उठाता है, उसको बोसा देता है, फिर उसको कुरान पर लपेटता है। एक मौलाना ने बच्चे से पूछा, बच्चा ये तो कपड़ा है बेटा, ये नीचे गिर गया तो उसको क्यों बोसा देता है? फरमाया नहीं उस्ताद जी, है भले ये कपड़ा लेकिन उसको कुरान के साथ चिमटा दिया गया, कुरान उसका घर बन गया, कुरान उसका कपड़ा बन गया। तो चूंकि जिस तरह हर मुसलमान के दिल में कुरान की मोहब्बत होती है तो उस कपड़े से भी मोहब्बत हो जाती है जिस कपड़े को कुरान के साथ चिमटा दिया जाता है। ऐसा ही है मेरे भाइयों, शाबान के महीने को हुजूर ने अपने साथ निस्बत दी और यूं फरमाया जिस बंदे को मेरे साथ मोहब्बत है वो शाबान में कोई गुनाह नहीं करेगा। इसलिए कि स्टेशन आने से पहले ट्रेन वाला भी ब्रेक मारता है, स्टेशन आने से पहले टू व्हील और फोर व्हील चलाने वाले भी ब्रेक मारते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी डालते हैं फिर गाड़ी बंद करते हैं, भाई स्टेशन आ गया है। रमजान का चांद इंसानों के गुनाहों को माफ करने वाला है, रोजियों को बढ़ाने वाला है, शैतानों के दरवाजे को बंद करने वाला है, तकलीफों से राहत देने वाला है। लेकिन एकदम से चांद होगा तो अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ये पूरा साल शैतान के साथ रहा है, पूरा दाल उसको तकलीफ में रहा है, उसको 15 शाबान से ब्रेक मारना शुरू कर, उसको 15 रमजान के चांद से पहले 15 दिन पहले एक बरकत वाली रात सरकार की उम्मत को दे दी जाए ताकि वो ब्रेक मारते मारते, वो एक रात में माफी मांगते मांगते उसका दिल जो काला हो गया था, वो अपने मां बाप से दूर हो गया था, वो अपने अल्लाह से दूर हो गया था, जरा 15 दिन पहले कि रमजान आवे और उसका दिल साफ सुथरा हो जाए और अल्लाह पाक उसको रमजान की बरकतों से मालामाल करे। अजीज भाइयों एक बात बताऊं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने पाक में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ईशा के बाद सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी माँ है,
हज़रत आयशा फरमाती है, मेरे और सरकार के दरमियान एक ही चादर थी, एक चादर हमने लपेटी थी, सरकार मेरे पड़ोस में सोए थे, छोटा सा कमरा था, रात के सन्नाटे में अंधेरे में मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सरकार नहीं है, तो मैंने इधर उधर देखा कि कहां चले गए, मैंने बाहर देखा, दूसरे कमरों में देखा, नहीं मिले, तो मेरे दिल में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है, मेरे दिल में ये वसवसा आया कि शायद कोई दुश्मन मेरे नबी को पकड़कर ले तो नहीं गया, शायद किसी दुश्मन ने नबी पर कोई हमला तो, रात में तो सोए मेरे साथ थे, पूरे मदीने में चक्कर काटा नहीं मिले। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु दामाद रसूल है, हजरत फातिमा के शोहर हैं, हसन और हुसैन के बाप है, जन्नत के दरवाजा है, इल्म का दरवाजा है, हसन और हुसैन के बाप हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु ने हजरत आयशा से कहा कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्लाह से बहुत प्यार है, वो हमेशा अल्लाह को याद करने के लिए कभी कभी रात को कब्रिस्तान जाया करते हैं, एक मरतबा हम जन्नतुल बकी देख लेते हैं, चूंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के बिल्कुल सामने जन्नतुल बकी दुनिया का एक नंबर का कब्रिस्तान है, तो हजरत अली और भी बहुत सारे सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान गए। रात का वक्त था, ओ जमाने में बिजलियां लाइटें नहीं थी भाई, अब चूंकि उनको ढूंढना था कि हुजूर गए कहां, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए सहाबा के साथ बहुत सारी सहाबियात भी, हजरत फातिमा भी और हजरत आयशा भी पीछे हो गई, कब्रिस्तान की जियारत के लिए नहीं गई थी औरतें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने के लिए, यह ध्यान रखिएगा। जब वहां पहुंचे तो हजरत अली फरमाते हैं कि हमने दूर से देखा कि कोई रोशनी कोई नूर नीचे आसमान से नीचे आ रहा है, हमको नजर नहीं आया कि कोई है, लेकिन हमको कोई रोशनी नजर आई जो नीचे उतर रही थी। जब हम और करीब हुए, तो हमने देखा कि कोई इंसान जमीन पर सजदा कर रहा है, और करीब हुए तो हजरत फातिमा की चीख निकल गई, फरमाए तो मेरे अब्बा है, और मेरे भाइयों अब जारो कतार रो रहे थे, अब बहुत रो रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती है, मेरे अब्बा की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया, आप इतना रो रहे थे कि आपने जिस जगह पर सजदा किया था वो जगह कीचड़ वाली हो गई, दलदल। भाई आदमी ज्यादा रोता है तो बहुत पानी एक जगह पर गिरेगा तो कितना रोए होंगे आप, और आपके दिल के कराहने की आवाज, और आप पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मग़फिर उम्मत मुहम्मद, अल्लाहुम्मग़फिर उम्मत मुहम्मद, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा। फातिमा फरमाती मेरे दिल में हुआ कि अगर ज्यादा रोएंगे तो आपकी जान को खतरा है, तो मैंने हाथ लगाना शुरू किया कि हुजूर बस बहुत हो गया, बंद करो, बंद कर दो, लेकिन जैसे मैं हाथ ले गई फिर मुझे ख्याल आया कि एक तरफ ये मेरे बाप हैं, दूसरी तरफ पूरी उम्मत के पैगंबर हैं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, तो फिर मैंने अपना हाथ खींच लिया, हुजूर को कुछ भी पता नहीं कि कौन खड़ा है। लेकिन जब हद से ज्यादा हो गया और जब बाप की मोहब्बत गालिब आ गई और मुझसे मेरे अब्बा का रोना देखा नहीं गया, मैंने एकदम से हाथ लगा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने फरमाया फातिमा क्या हुआ, फरमाया आका अब्बा जान मैं डर गई कि रात के सन्नाटे में आप कहां चले गए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा माँ आयशा फिक्र में पड़ गई, सहाबा फिक्र में पड़ गई, फरमाया फातिमा ठहरो मेरी बात का जवाब सुनो, मैं तो सोया था बिस्तर में, अचानक मेरी आंख लग गई और पैर की तरफ से जिब्राइल अलैहि सलाम आए और जिब्राइल ने मुझे उठाया कि आका उठो उठो, तुम्हें पता है ये कौन सा महीना है, तुम्हें पता है आज कौन सी रात है। सरकार ने कहा कि बताइए ये शाबान का महीना, आका आज 15वीं शाबान है, आज शबे बरात है, अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर आए हुए हैं और अल्लाह का फरिश्ता ऐलान कर रहा है अला हल मिन ताइबिन अला हल मिन मुस्तगफिरिन अला हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रोजी से परेशान, है कोई बीमारी से परेशान, है कोई अपनी औलाद से परेशान, फरिश्ता ऐलान कर आप सोए हैं, उठो उठो अपनी उम्मत के लिए मांग के आओ, ये जिब्राइल आए थे मेरे पास, तो मैं अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए कब्रिस्तान आया हूं और कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद सरकार ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा शबे बरात है,
इबादत की रात है, मुकद्दस रात है, रोजों की रात है, एक साल का एग्रीमेंट होने जा रहा है, मुझा आइंदा कल मेरा रोजा रखने का इरादा है, एक साल का फैसला होने वाला है। फातिमा, फातिमा अगर तू थोड़ी देर ठहर जाती और मुझे अल्लाह से माफी मांगने का पूरा पूरा मौका मिल जाता, अगर तू थोड़ी देर सबर कर लेती और मेरा और खुदा का मामला तय होने वाला था, तू थोड़ी देर सबर कर लेती, ए फातिमा मैं अपनी सारी उम्मत की मग़फ़िरत करवा लेता। मेरे भाइयों, ये मुकद्दस रात दो तीन दिन के बाद आ रही है, मैंने ये मजमा अभी आ रहा है। मैंने शुरू में जैसे कहा, हमारे पास 500 साल नहीं है, हमारे पास 1000 साल नहीं और नहीं मिलने वाले हैं, और हमको इतने मिले, हमारी औलाद को कितने मिलेंगे वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये रातें तकदीर वालों को नसीब होती है। मैंने 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 एक जगह पर अजीब बातें मैंने पढ़ी थी यार, वो सुना दूं मैं आपको कि भाई ये शाबान या रमजान ये है क्या? एक मिसाल समझाऊं मैं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आपको इतना तो मालूम है कि हजरत यूसुफ अली सलात व सलाम जो अल्लाह के एक नबी थे, उनके 11 भाई थे, 11 भाई थे दूसरे, तो कुल 12 हो गए यूसुफ अली सलाम के साथ। लेकिन इन 11 भाइयों को यूसुफ अली सलाम से थोड़ा हसद बहुत था, इसलिए कि याकूब अली सलाम जो उनके अब्बा थे, ये इससे बहुत मोहब्बत, बड़े खूबसूरत थे, तो उन 11 भाइयों ने मिलकर जो है यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला था, और फिर वो कुएं से निकाले गए और फिर वो मिस्र के बादशाह बने। पूरा किस्सा सूरह यूसुफ में, मैं ये सुनाना चाहता हूं कि ये 11 भाइयों ने मिलकर, 11 भाइयों ने मिलकर यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला मारने के रास्ते, कि ये मर जाएगा तो बाप की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, ये मारना चाहते थे, अल्लाह इज्जत देना चाहता था, वो मिस्र के बादशाह बने। ये 11 भाई अनाज लेने के लिए पहुंचे तो यूसुफ अलैहि सलाम पहचान गए कि तो मेरे भाई है, तो यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि तुम मुझे पहचान दो, मैं कौन हूं? तो भाइयों ने कहा कि हम तो नहीं पहचानते कि आप कौन है, तो कहा कि मैं बताऊं मैं कौन हूं? कहा कि काला ना यूसुफ वहदा अखी, मैं वही हूं जिसने तुमने आज से कई दिनों पहले, कई साल पहले कुएं में डाला था। तो भाई लोग ताज्जुब में पड़ गए और माफी मांगने लगे, तोबा मांगने लगे, क्योंकि 302 के मुजरिम थे, उन्होंने मर्डर का केस था उन पर, उनको कुएं में डाला था, तो कहा कि अब तो मर गए, भाई बादशाह है, इनको हमने कुएं में डाला, आज बदले का दिन है, ये हमारा, हमें जेल में डाल देगा। यूसुफ अलैहि सलाम के सामने वो रोने लगे, माफी मांगने लगे, तो यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, इज़हबु, तुम चले जाओ, मैंने तुमको माफ कर दिया। ये किस्सा कुरान में है? तो कुरान की तफसीर लिखने वाले उलमा ने लिखा है कि 11 भाई के गुना यूसुफ की वजह से माफ हो गए। ये किस्सा अल्लाह ने कुरान में क्यों जिक्र किया? सबसे ज्यादा डिटेल के साथ, एक साथ पूरा सूरह यूसुफ जो एक साथ नाजिल हुए, सूरह कहफ और सूरह यूसुफ एक साथ नाजिल हुई है, और कुरान करीम में हजारों किस्से हैं, लेकिन यूसुफ अलैहि सलाम के किस्से के बारे में कुरान ने यह कहा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर कोई किस्सा है तो यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा है। मैं बताना चाहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, और भी बहुत सारे किस्से थे, कुरान ने यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा क्यों जिक्र किया? अल्लाह पाक ये बतलाना चाहते थे लोगों, ये लोगों तुम जान लेना, जिस तरह यूसुफ अपने 11 भाई के गुनाह को माफ कर सकता है, करा ना, माफ किया ना, तो अल्लाह तो यूसुफ का भी अल्लाह है, और अल्लाह पाक तो यूसुफ से ज्यादा रहम करने वाला है। जिस तरह यूसुफ अपने 11 भाइयों के गुनाह को माफ कर सकता है, तो ये नबी जी आप अपनी उम्मत को बता देना कि हम आपकी उम्मत को 12 महीनों में एक महीना रमजान का अता करेंगे, कि जिस यूसुफ की वजह से 11 भाई के गुनाह माफ हुए, अल्लाह रमजान की बरकत से 11 महीने के गुनाह माफ करेगा। इसलिए यूसुफ अलैहि सलाम का किस्सा कुरान में है। अल्लाह पाक कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी 10 मिनट में बहुत काम की बात है, 8-10 शाबान हो गए, 2-4 दिन में मुबारक रात की तरफ पहुंच रहे हैं। इतनी मुबारक रात, पूरी रात ऐलान होगा, रोजे वाले रोजे रखेंगे, जिक्र वाले जिक्र करेंगे। एक भाई ने सरकार से पूछा था, आयशा ने ही पूछा था कि अल्लाह के रसूल इस मुबारक रात में हम क्या करें? तो फरमाया कि नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं,
14 या 15 शाबान का रोजा रखना मुस्तहब है, इतना। उसके अलावा खाना पकाना इधर उधर वो चीजें, उसमें इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा 15 शाबान को कब्रस्तान गए हैं, तो जमात की शक्ल में नहीं, अकेले अकेले चले गए तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा, लेकिन ये रात अल्लाह के सामने रोने की है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि इतनी अजीम रात में आपने, जिब्राइल जब जा रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाते जाते कहा था कि सरकार अल्लाह पाक ने कहा है सबको माफ करेंगे, ऐलान होता है। लेकिन इतनी मुकद्दस रात में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कहा है कि इनकी माफी नहीं है। आप बता देना अपनी उम्मत को कि इस रात से पहले जरा मामला साफ कर लेना। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गुनहगार ऐसे हैं कि 15 शाबान में पूरी रात तस्बीह पढ़े, पूरी रात रोवे, तब भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, पहले उस गुनाह से तौबा करके आ। इसलिए कि मौलाना, जब 15वीं शाबान होती है तो पूरी दुनिया की मस्जिदों में हर जगह पर इसकी बरकत की बातें बताई जाती है, लेकिन अभी ये 3-4 दिन बाकी है, तो मैं आपको बताऊं कि इस रात के आने से पहले कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इस मुकद्दस रात में उसकी माफी नहीं है। नंबर एक, वो आदमी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, नफा देने में, नुकसान देने में, इज्जत देने में, जिल्लत देने में, औलाद देने में, आप समझो मेरी बात। अल्लाह पाक कहते हो बंदे, मैं पैदा मैंने तेरे को किया, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं, और अल्लाह यूं फरमाए कि तुम कुछ भी हो, लेकिन जब अल्लाह के अलावा किसी और से मदद, अल्लाह के अलावा किसी और से हाजत रवाई, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मुशरिक की माफी नहीं 15वीं शाबान में। मुख्तसरन 5 मिनट में, दूसरा गुनहगार मेरे भाइयों जिसकी इस रात में माफी नहीं है, माँ बाप का नाफरमान, इसलिए माँ बाप के साथ बदतमीजी की है। अल्लाह फरमाते हैं बहुत मालूम है हमको मुकद्दस रात है, लेकिन उस वक्त तक तेरा खुदा तुझसे राजी नहीं हो सकता जब तक तू अपने बूढ़े मां बाप से राजी न कर ले। उसके दिल एक सहाबी खड़े हो गए और फरमाए, आका मेरी तो मां भी नहीं, मेरा तो बाप भी नहीं, मैं क्या करूं? उसकी कब्र पर जा, अपने मां बाप की कब्र पर जा और एक मरतबा ईसा ले सवाब करके माफी मांग के आ, अल्लाह तेरे मां बाप का हक तेरी तरफ से अदा कर देंगे। दो गुनहगार हुए, शिर्क की माफी नहीं 15वें शाबान में। मेरे भाइयों देखो, अभी 3 दिन बाकी है मेरे भाइयों, 3 दिन बाकी है, हैं? अरे भाई, वो ड्राइविंग की टेस्ट होती है ना, तो 15 दिन अपने सीखते हैं फिर टेस्ट देने जाते हैं, डायरेक्ट नहीं चले जाते, तो अपने 15वीं शाबान में जाने से पहले ये टेस्टिंग है अपना, 3 दिन पहले ये टेस्टिंग हो जाएगी, शिर्क से तौबा करेंगे 3 दिन में। मेरे भाइयों, हमें कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि जाने अनजाने में हमसे शिर्क की बात हो ही जाती है, यहां से होता और ये होगा और मेरा वहां से हो जाएगा और यूं कर लेंगे और ये होगा तो यूं कर लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला नु, नबियों के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है, सरकार ने फरमाया था सिद्दीक रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो एक मरतबा कलमा पढ़ के सोया कर, इसलिए कि हो सकता है कि 24 घंटे में कोई ऐसी बात कुछ से निकल गई जो तुझे ईमान में से बाहर निकाल दे। हम कौन है मेरे भाइयों? पहली तौबा किससे करेंगे? ए अल्लाह, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा पैदा करने वाला है, लेकिन ए अल्लाह, हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई शिर्क हो गया हो, इस रात के आने से पहले उसको माफ कर दे, आइंदा हम शिर्क नहीं करेंगे। एक, माँ बाप की नाफरमानी। तीसरा, जिसको शराब पीने की आदत हो। चौथा, जिसका पायजामा टखनों से नीचे हो। मुख्तसर बड़ी रात में मौलाना तफसील से बात करेंगे। जिसका टखनों से नीचे पायजामा हो। एक पांचवी चीज, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार बहुत कीमती बात सुनाता हूं मेरे भाई, बहुत कीमती बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बड़ी रात में पांचवा वो गुनहगार जो किसी मुसलमान से कतारहमी करे, किसी मुसलमान का बुग्ज रखे, किसी मुसलमान के दिल में अदावत रखे। देखो मेरे भाइयों, में अदावत किसको कहता हूं, कीना किसको कहते हैं? हो सकता है कि मेरा और इनसे मिजाज बनता नहीं है, लेकिन सलाम कलाम का ताल्लुक बाकी रखना चाहिए। हो, हर एक का मिजाज सेट नहीं होता, लेकिन आप हमेशा किसी मुसलमान के बारे में आपकी ये फीलिंग हो, आपकी ये सोच हो कि इसको कोई नुकसान पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये ऊपर न जावे, हमेशा आपके दिलो दिमाग में से विचार पैदा हो, मेरे भाई ये कीना है। मेरे आका ने फरमाया 15वीं शाबान में भी तो कितनी ही माफी मांग ले, जब तक अपने मुसलमान भाई के बारे में तो दिल साफ नहीं करेगा, इस रात में मग़फ़िरत नहीं। एक छोटी सी बात याद आई, एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
जो है एक साहबी के मकान पर गए और कहा कि मैं आपके घर मेहमान बनूं, मुझे 3 दिन तक आप रखोगे अपने घर में। उस साहबी ने कहा कि भाई ठीक है रहो, लेकिन मैं बहुत मालदार नहीं हूँ, मेरे घर में जो पकेगा वो खिला देंगे, जो चावल डालेंगे एक मुट्ठी ज्यादा डाल देंगे, रहो। ठीक है, 3 दिन तक रहे और 3 दिन के बाद वो जाने लगे। तो पूछा कि भाई क्यों आए थे? कहा कि भाई मैं तो इसलिए खाने के लिए नहीं आया था, मेरी तेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे घर में इसलिए 3 दिन आया कि मैं 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि देखो देखो अभी मेरी मस्जिद में जो आएगा ना वो जन्नती है, तो 3 दिन तक तुम आ जाए, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम 24 घंटे में ऐसा कौन सा काम करते हो कि अल्लाह के नबी ने तुमको जन्नती कहा, तो मैं 3 दिन तक रहा आपके साथ, तो 3 दिन में आपने कोई मेरा कोई अच्छा काम देखा? फरमाया नहीं, मैं तुम टाइम पर नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी दुकान है। तो फरमाया बताओ नहीं कौन से ऐसे नेकी करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई देख कोई और चीज नहीं है, लेकिन जब से मैं मुसलमान हुआ ना, जब से मैंने कलमा पढ़ा ना, आज तक मदीने में किसी भी मुसलमान से मेरी दुश्मनी नहीं है, और किसी भी मुसलमान को मैं हकीर नहीं समझता, अपने से छोटा नहीं समझता। अपना ईमान वाला भाई है मेरे से बनती है तो ठीक है, लेकिन मैं सलाम कलाम का ताल्लुक बाकी रखता हूं, और कोई चीज नहीं है। वो दौड़े दौड़े साहबी मस्जिद में आया और कहा कि हुजूर वो साहबी तो ऐसा बोलते हैं कि वो इनकी नेकी तो ये है। फरमाया इसी नेकी की वजह से कि इसके दिल में किसी मुसलमान का कीना नहीं है, इस पर अल्लाह पाक ने उसे दुनिया में जन्नत दी, बशारत दे दी। पांचवा गुनेगार जो इस रात में जिसकी मगफिरत नहीं होती, किसकी भाई? मुसलमान के कतात, मुसलमान के कहां चाचा ने मामू ने फूफी ने खाला ने क्या क्या मिजाज मेरे भाइयों। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह पाक मसाइल हो जाते हैं वक्त पर बोल देते हैं, लेकिन अल्लाह इस मुबारक रात के आने से पहले हमारे दिल को हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से साफ सुथरा बना दे। अल्लाह ही बना सकते, अल्लाह से मांगो तो सही यार। देखो एक बार तो तुम किसी को माफ कर दो, सामने वाला माफ करे या ना करे, आप अल्लाह के यहां माफ कर दिए जाओगे। एक आखिरी चीज मेरे भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी इस मुबारक रात के अंदर मगफिरत नहीं, जिसको सूद और ब्याज की रकम खाने की आदत हो, इंटरेस्ट, इस पर जितना बोला जाए इतना कम है, लेकिन मेरे भाइयों वक्त हो चुका है। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह 3 दिन बाकी है, शिर्क से, माँ बाप की नाफरमानी से, शराब से, कता ताल्लुके से, टखनों से नीचे पायजामा पहनने से, और आखिरी चीज दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना रखने से, ए अल्लाह इस मजमे को पूरी उम्मत को इन 3 दिन के आने से पहले इन तमाम गुनाह से अल्लाह पाक साफ कर दे, और ए अल्लाह इस मुबारक रात के आने से पहले हमारा नाम तेरे नेक लोगों में हमारा नाम शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह बहुत मुबारक दिन आने वाले हैं, उसके कदरदानी की हमको तौफीक नसीब फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़।